and students. Today I can see very less friends. Have they gone on leave before holidays? These many children are absent, is it? Or shall I wait for them to come? So shall I wait for them? Yeah, I'm start karein. Start. Okay, sir. Fine. बच्चे इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये मॉड्यूल स्टार्ट किया था बट आई केम टू नो आफ्टर दैट कि आपने वो स्टार्ट नहीं किया है चैप्टर क्लास में इज इट. तो आई गिव यू लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ दैट. कुछ फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे उसकी इंट्रोडक्शन दी थी चैप्टर की मैंने कि वेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज यूज. आई शो यू द योर पीपीटीज ऑल्सो कि कहाँ पे यूज होती है आपकी रियल लाइफ में. ओके एंड उससे प्रीवियसली आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कर लिया है which is also related to quadratic equation, right? So, उससे पहले polynomial किया था, वो भी related था. तो my purpose is today what my aim is to tell you कि in question after reading the question, how will you diagnose कि ये linear equation का question है या फिर quadratic equation का question है? क्योंकि when we go to check board exams, exams में क्या होता है? होल सिलेबस कम्स ठीक है पूरा उसमें लीनियर इक्वेशन के भी क्वेश्चन है कभी क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन का है कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कभी फुल सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है कभी 1 मार्क का क्वेश्चन है. तो समटाइम इट स्किप्स फ्रॉम योर माइंड की अभी मेरे को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है स्पेशली वेन यू हैव टू मेक योर ओन इक्वेशन. इक्वेशन ना दी हो तो दी हुई है तो वेरी वेल नोन आपको पता है लीनियर इक्वेशन है तो उसका फॉर्मूला लगेगा. पावर उसकी 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूलाज लगेंगे. एम आई ऑडिबल वेरी क्लियरली प्लीज रेज योर हैंड. फाइन ऑल राइट टूडे आई हैव अ ब्यूटिफुल गिफ्ट विद मी. थोड़ा जूम करूँ. कैन यू सी अ बॉक्स दिस इज ब्रांड न्यू. आई हैव टू गिफ्ट इट टू माई फ्रेंड यू नो आई हैव नॉट रैप्ड इट ठीक है. कैन यू सी इट वेरी क्लियरली बच्चे. I have a box, brand new. इसका रेट भी लिखा हुआ है एंड सी आई हैव टू गिफ्ट इट टू माई फ्रेंड एंड देर आर टू वेज टू रैप. आई हैव टू रैप इट ना थोड़ा तो डेकोरेट करके देना पड़ेगा तो आई हैव टू रैप इट. ओके देर आर टू वेज टू रैप इट. या तो मैं पूरा रैपिंग पेपर इसके ऊपर सराउंडिंग लगा दूँ बॉक्स के इसकी उसका बॉक्स तो है नहीं आउटर बॉक्स ये सेल्फ ही सॉलिड वो है शेप तो मेरे को जो है इसको रैप कर दूँ एंड आई कैन गिफ्ट इट. अदरवेज I can wrap it, you know, put a ribbon around the border, put a knot here beautifully, and gift it like this, so that this pattern is seen. किसी को आप gift करते हो. First of all, what do you want to see? किसी को कुछ gift करना हो तो you want to see a beautiful smile on your friend's face, is it? किसी को भी आप gift करते हो तो smile should come. तो smile के लिए I have to wrap it nicely. So there are two ways I told you. एक या तो मैं पूरा इसको wrap कर दूँ. रैपिंग पेपर लिया सब चारों तरफ रैप किया टेप लगाई और दे दिया. अदरवेज इसकी इसके मैं बॉर्डर को कवर कर लूँ रिबन से और उसको अदरवे दे दूँ और ये पैटर्न जो है सीन हो. सो माई क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर टॉपिक. माई टॉपिक इज इफ आई रैप अराउंड द होल बॉक्स पूरा पेपर कवर कर देती हूँ ऊपर नीचे साइड पे एवरीवेयर विच इक्वेशन आई विल बी यूजिंग एंड इफ आई यूज ओनली द बॉर्डर ऑफ दिस Which equation I'll be using? Any guesses? Any guess? Mathematical form में आ जाओ आप. Come to the mathematics part. कि when I am using the whole part, पूरे box को use कर रही हूँ. इसका मतलब मैं उसका पूरा वो use कर रही हूँ. Area, is it? I'm using area. जिसमें एरिया में क्या आएगा लेंथ इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ दैट यू नो एरिया का फॉर्मूला आपने स्क्वायर में किया है रेक्टेंगल में किया है पैरेललोग्राम में किया है कहीं भी जितने भी क्वाड्रिलेटर्स आज तक आपने पढ़े हैं यू मल्टीप्लाई लेंथ बाय ब्रेथ इन सम वे और द अदर कोई फॉर्मूला कैसा है कोई कैसा है तो प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स प्रोडक्ट ऑफ टू लेंथ यूज करते हो तो वो आपका एरिया बन जाता है ठीक है. और अदरवाइज जब मैंने उसका सिर्फ बॉर्डर यूज किया आई एम यूजिंग द पैरीमीटर I am using only the length, not the whole area. I am using either L or either B.
कैन यू टेल मी कि दोनों में से कहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज हो रही है और कहाँ पे लीनियर इक्वेशन यूज हो रही है? एरिया में मेरे पास क्या आएगा? हम एक्स यूज करते हैं वेरिएबल मैथ्स में, वाई यूज करते हैं, यू यूज करते हैं, टी यूज करते हैं, कोई भी वेरिएबल यूज करते हैं, तो जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगी इसका मेरे पास पावर आएगी 2, बिकॉज आई एम डूइंग प्रोडक्ट ऑफ 2 लेंथ. बट वेन आई एम यूजिंग ओनली लेंथ, आई विल बी गेटिंग ओनली 1 पावर ऑफ x. अभी नाउ यू कैन टेल मी कहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होगी और कहाँ पे हमारा ये यूज होगा लीनियर इक्वेशन? वेरी गुड, नाउ आई कैन सी ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स फ्रॉम यू. यू कैन टेक माइक, जिसको भी बताने, क्विकली माइक ले लो और बता दो. आई विल नॉट कॉल द नेम आल्सो, बच्चे बहुत कम है एंड आई कैन सी योर फेसेस, ऑल स्टूडियस चिल्ड्रन हैव कम टूडे. इक्वेशन एरिया में यूज होएगी और लीनियर इक्वेशन पहले में यूज. एक्सेलेंट एक्सेलेंट. सो व्हाई आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चलना चाहिए कि इसमें मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है या फिर लीनियर इक्वेशन बनने वाली है. वो आपकी इस एसर्शन रीजन में भी आ सकता है ऐसा रीजनिंग, और आपकी इक्वेशन बनाने में भी इट विल हेल्प यू अ लॉट. कोई कंडीशन दी हुई है, केस स्टडी का क्वेश्चन है, कोई स्टोरी सम है, आपको रीड करके पता चल जाएगा कि आपने स्टार्ट कर लिया कि ओके लेट सपोज दिस इज एक्स दिस इज वाई. जैसे ही आपने इक्वेशन बनाई आपको पता चल गया कि मेरा अभी प्रोडक्ट आने वाला है, अभी मेरे को पावर 2 मिलने वाली है, तो वो क्वाड्रेटिक है. पावर 1 है तो दैट इज लीनियर. बॉयज प्लीज डोंट टॉक एट द दिस थर्ड रो, प्लीज डोंट टॉक, फिर बाकियों को भी डिस्टर्बेंस होएगी, मेरे को मजा नहीं आएगा फिर पढ़ाने में. ओके प्लीज लिसन टू इट. फाइन, आज बच्चे कम है ना बेटा, थोड़ा सा भी बोलोगे तो सबको डिस्टर्बेंस होएगी. फाइन, सो आई वॉन्ट टू टेल यू वट मोर, वट एल्स इज द डिफरेंस. ये तो चलो आपको रिकग्निशन होगी कि पावर 2 है तो वो है क्वाड्रेटिक है, 1 है तो ये. अदर वे वॉट इज द ग्राफिकल दैट डिफरेंस? यस बच्चे, यस. आपने कहा You are right. You know, whenever there are, have you started doing quadratic equation chapter in class? Have you started doing? This is just an incident. मैं आपको just beginning बता रही हूँ. Otherwise, when you read the question, आपको पता है polynomials आपस में, polynomial कितनी situations दी होती हैं हमारी questions में. Age of father, age of mother. इट विल नेवर हैपन बच्चे. क्वेश्चन में हमेशा कंडीशंस दी होती हैं. आपकी जितने भी स्टोरी साम्स हैं बच्चे, जब भी आपकी कंडीशंस दी होती हैं, ये आपका एक्स एक्स स्क्वायर को बिगनिंग में नहीं आ जाएगा. आपको कोई रिलेशन फॉर्म करना है, ठीक है? अ बॉल इज थ्रोन एट हाइट दिस, इट इज रीचिंग एट दिस हाइट इन दिस टाइम, तो सम रिलेशन इज गिवन. हाइट एंड टाइम का डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड एंड हाइट का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, फिर कार की स्पीड का टाइम दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, उसकी स्पीड दी हुई है. स्पीड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू डी अपॉन टू वेन टी सॉरी. तो वेन एवर सच काइंड ऑफ रिलेशन कम्स, हमें पता है कि वो दो चीजें गिवन है तो प्रोडक्ट तो आएगा ही कहीं ना कहीं. दिस इज अ क्लू वी गेट कि स्पीड दी है, टाइम दी है, डिस्टेंस निकालना है, या फिर डिस्टेंस और स्पीड दी है, टाइम निकालना है, तो क्लू मिल जाता है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होने वाली है. थैंक और यू. ठीक, इट इज नॉट दैट डायरेक्टली एक्सपीयर ही आ जाएगा आपके पास. ये तो उसका थर्ड सेकंड स्टेप है क्वेश्चन का. बिगनिंग में हाउ विल यू रिकॉग्नाइज? ठीक है, आपके पास आपने लीनियर इक्वेशन में एजेस वाले क्वेश्चंस किए, मदर से एज, फादर से एज, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज, इट इज स्मॉलर देन ब्रेथ बाय दिस मच, वो वैसे डिफरेंट वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. ओके इसमें आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते हैं, स्पीड के आएंगे क्वेश्चंस, हाइट के आएंगे, टाइम के आएंगे, फाइन. और आपके अदर वे, ये तो चलो स्टेटमेंट्स होगी. हाउ विल यू रिकॉग्नाइज फ्रॉम अ ग्राफ? अदर रिकॉग्निशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इज, लीनियर इक्वेशन में ऑलवेज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विल आइदर इंक्रीज, ऑलवेज इंक्रीज होती जा रही है, और ऑलवेज डिक्रीज. एक कंडीशन होगी आइदर दिस और दिस लीनियर में, क्योंकि वहां पे सिंगल जो जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर नहीं है, उसकी या तो नेगेटिव पावर आ रही है या फिर पॉजिटिव आ रही है.
या उसकी इंक्रीज होती जा रही है या डिक्रीज होती जा रही है, जबकि क्वाड्रेटिक में इट कैन हैपन बोथ वेज, इंक्रीज होएगी और डिक्रीज भी होएगी। ठीक है, अगर डिक्रीज हो रही है तो इंक्रीज भी होगी, दिस इज अदर वे टू रिकॉग्नाइज। ऑल राइट बच्चे, आपको ग्राफ अगर गिवन नहीं है, यू कैन रीड फ्रॉम द स्टोरी ऑल्सो, आपको जो स्टेटमेंट दी है वहां से भी पता चल जाएगा कि वैल्यू ऑफ दिस जो है वो इंक्रीज हो रही है एंड डिक्रीज हो रही है, दोनों हो रही है तो क्वाड्रेटिक बनेगी, अगर आइदर ऑफ दीज हो रही है तो लीनियर होगी। दिस इज अनदर काइंड ऑफ रिकग्निशन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द मॉड्यूल। पिछली बार हमने क्वेश्चन नहीं किए थे, सिर्फ असर्शन रीजन किया था, एंड दैट ऑल्सो यू डिड वेरी वेल, काफी बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछे थे, सो हाफ ऑफ द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। सो लेट अस स्टार्ट दिस मॉड्यूल। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी, इफ अल्फा इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सबके पास मॉड्यूल होगा, अल्फा इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रैशनल नंबर्स, इट्स रिटन हियर ऑल्सो, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल नंबर्स। व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर पर्टिकुलरली दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, रैशनल नंबर्स, क्योंकि जो चीज गिवन होती है ना उसका कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट पढ़ लिया आपने लास्ट टाइम, आपने पूछा था मैम वी हैव नॉट रेड डिस्क्रिमिनेंट, डी यू हैव रेड, हुज फॉर्मूला इज डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड आपको पता है एक और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लास्ट टाइम मैंने बताया था, दैट वाज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाय 2a। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसमें आपकी कॉन्स्टेंट यूज होते हैं, कॉफिशियंट यूज होते हैं एक्स और क्वाड्रेटिक सॉरी वेरिएबल के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक्स के या वाई के जो भी आपके पास बनी हुई है। फाइन, सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग कि दीज आर रैशनल नंबर, ये क्लू दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है, उसका बताना कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगी, रैशनल नंबर्स हैं। अभी रैशनल नंबर आप 9th में पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, कैन यू टेल मी एनी वन डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, एनी वन, कुछ भी जो भी पता है आपको कि रैशनल ऐसा होता है इरैशनल ऐसा होता है, यू रिमेम्बर, थोड़ा सा कुछ भी बता दो। यस गर्ल्स आर रेजिंग देयर हैंड, माइक ले लो बेटा। आई कांट हियर यू बच्चे। Some irrational number is non-repeating and non-terminating, whereas rational number can be terminating and non-repeating. फाइन, वो होता है जब आपका डिवीजन यूज हो रही है। अदर वे, डू यू रिकॉग्नाइज, आपको अगर याद होगा कि जो आपके स्क्वायर रूट की टर्म्स होती हैं, ऐसे नंबर्स जिनका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, सपोज स्क्वायर रूट 15, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 91, सच नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, जिनके फैक्टर्स आप नहीं बना रहे हो, जिनका स्क्वायर रूट नहीं रिमूव हो पा रहा, दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ऑल राइट, दिस इज ऑल्सो रिकग्निशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, एंड रैशनल नंबर्स आर जिनको आप कर लिया स्क्वायर रूट निकाल लिया, 256 है या फिर आपके पास 64 है, इनका जब आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया, नंबर निकाल लिया कि वो किसका स्क्वायर है और आपका स्क्वायर रूट हट गया वहां से, तो वो आपके पास रैशनल नंबर्स बन गए। ठीक है, ये आपकी जो है ये आपका जो कंसेप्ट है इट इज बींग यूज इन दिस क्वेश्चन, दे आर सेइंग कि दीज आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर का मतलब अब हमारा स्क्वायर रूट कहाँ यूज होने वाला है, यहाँ पे, कि हमारा क्लू हमें मिल गया, व्हाट इज अ क्लू, कि डी स्क्वायर रूट डी शुड बी अ होल नंबर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, एक क्लू हमें मिल गया, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल नंबर ऑफ कोर्स होंगे उसके। फाइन, सो हाउ विल गो, इट मींस कि डी तो निकालना ही पड़ेगा, यहां से हमें पता चल रहा है, तो लेट अस फाइंड डी, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डी, प्लीज पुट बी स्क्वायर माइनस 4ac, प्लीज फाइंड आउट, आई एम जस्ट क्लीनिंग इट, कैन यू डू इट इन द नोटबुक्स, प्लीज राइट डाउन बेटा, बिना लिखे आपको क्लियर नहीं होगा। डी इज इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac, वी हैव टू पुट द वैल्यूज, प्लीज फाइंड आउट क्या वैल्यू आ रही है, प्लीज यूज दिस अल्फा ऑल्सो, अल्फा इज सी, यू नो यू कैन सी वेरी क्लियरली, प्लीज फाइंड आउट, आई एम वेटिंग फॉर यू। बी स्क्वेयर इज
माइनस 11 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 6, सी इज अल्फा. पुट द डॉट्स इन बिटवीन. पूरा प्रोडक्ट तो हम डालते ही नहीं है क्योंकि वी आर ग्रोन अप नाउ. 121 माइनस 24 अल्फा. इट इज दिस वे. इज इट कमिंग दिस वे? आपका सबका यही आ रहा है? क्वेश्चन इज कि जो आपका डी है दैट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर एंड दे आर फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा. अब अल्फा की वैल्यू हमने निकालनी है. हमारे पास इक्वेशन तो यहाँ पे कोई है नहीं है जो हम अल्फा की वैल्यू निकालनी है. अननोन नंबर. दिस विल बी फाइंडिंग बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. पुट अल्फा इज इक्वल टू 1. लेट अस टेक वी कैन ट्राई एंड रफ. फॉर अल्फा इज इक्वल टू 1 व्हाट वैल्यू इज कमिंग? 121 माइनस 24. ठीक है, प्लीज फाइंड आउट इसका क्या आंसर आ रहा है एंड टेल मी इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. क्विकली, ओनली सब्ट्रैक्शन है. देन पुट अल्फा इज इक्वल टू 2. फाइंड द वैल्यू. पुट अल्फा इज इक्वल टू 3. पुट अल्फा इज इक्वल टू 4. प्लीज ट्राई फॉर 1, 2, 3 नंबर एंड चेक कि कहाँ पे उसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है कौन सा होता है? ठीक है, एनीबडी हैज फाउंड विद 1 व्हाट इज कमिंग? आई एम लीविंग ऑन यू यू नो सिंपल थिंग्स. बाकी सब तो मैं ही बता रही हूँ. थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करते जाओ. क्विकली बता दो 1 के लिए क्या आ रहा है, 2 के लिए क्या आ रहा है, 3 के लिए क्या आ रहा है और 4 के लिए क्या आ रहा है. हु हैज फाउंड? फ्यू चिल्ड्रेन आर नॉट राइटिंग. या यू हैव फाउंड, प्लीज टेल मी. वेरी गुड, परफेक्ट स्क्वायर. यस यस, आगे बताओ और भी बताओ. बिकॉज वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू. यू नो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी शुरुआत हो गई है, मतलब यहाँ से. यू मीन टू से? ठीक है, डू वी नीड टू फाइंड अदर वैल्यूज? अगर और वैल्यूज निकालेंगे तो अल्फा की हायर वैल्यू आती जाएगी. तो मिनिमम हमें पता चल गया 3 पे जब हम पहुंचे तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. स्क्वायर रूट डी हमारे पास 40, ये बन जाएगा हमारे पास 49 का स्क्वायर रूट. 49 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 7. सो व्हाट विल बी द ऑप्शन हियर? डी. वेरी क्लियरली यू कैन सी अल्फा इज इक्वल टू 3. दिस इज स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा. अगर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा पूछी जाती तो यू हैड टू मूव अहेड. एंड वेन यू गो अहेड तो इसका मतलब ये नहीं कि हायर वैल्यूज आती जाएंगी. बिकॉज वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं जाके अल्फा इज इक्वल टू 5 पे इट इज स्टॉपिंग और यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ रहा है एंड लार्जेस्ट वैल्यू आपकी 5 होती. ओके बच्चे? यस बेटा, यू वॉन्ट टू आस्क? यस यस यस. And my question is, are we saying that discriminant is basically the root of equation? Are we saying that? Square root D? The discriminant is basically the root of equation. No, no, no. Discriminant is not root. Discriminant ke to value ye thi. Isme hamara alpha use ho raha tha. Could you see? Alpha is being used in discriminant. हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट किया है कि अल्फा इज इक्वल टू, जब मैं 3 पुट करूंगी तो डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास 49 आ रहा है. Why I have put square root d here? क्योंकि मेरे को इसका वो निकालना है कि इसका ये रैशनल नंबर होना चाहिए. इसके रूट जो है वो रैशनल नंबर है. The question is that the root of equation are rational numbers, and then we are finding the discriminant whether it is rational or not. Of course, because हमारे पास बेटा रूट जो आएगा यहाँ पे क्या है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई टू ए. जब तक हमारे पास ये वाला नंबर होल नंबर नहीं आएगा, स्क्वायर रूट चलता जाएगा, वो कैसे बनेगा? वो पूरा तो हम कभी वो रैशनल बन ही नहीं सकता. हमारा पर्पस क्या है कि यहाँ से स्क्वायर रूट को हटाना. बाकी सब तो पहले से ही होल नंबर है, पहले से ही वो रियल नंबर है. आई शुड से चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है. ट्रबल हमें कौन कर रहा है? ये स्क्वायर रूट. ठीक है, नाइन्थ में भी आपने देखा था रैशनलाइजेशन आपको क्यों सिखाई थी कि स्क्वायर रूट को उड़ाओ वहां से. जैसे ही वो स्क्वायर रूट चलता जाएगा आपको ट्रबल करता रहेगा क्वेश्चन. फाइन, हियर ऑल्सो द थिंग इज कि उसको रियल बनाने के लिए आपको स्क्वायर रूट तो हटाना ही है यहाँ से, अदरवाइज द होल नंबर विल रिमेन इरेशनल. आपने पढ़ा है, प्लस करोगे माइनस करोगे डिवाइड करोगे प्रोडक्ट करोगे हमेशा वो इरेशनल ही रहेगा क्योंकि वो स्क्वायर रूट हट ही नहीं रहा है वहां से.
फाइन बच्चे, सो आर पर्पस वॉज द रूट्स वर रैशनल. दिस इज वेरी यू नो पिकुलियर क्वेश्चन, बहुत अच्छी डिस्कशन इस पे हो रही है. एंड दिस इज प्लीज ट्राई सच क्वेश्चन लेटर ऑल्सो इफ यू फाइंड फ्रॉम अदर बुक्स आई शुड से. ओके दिस कंसेप्ट इज क्लियर, क्वेश्चन इज क्लियर. द मिनिमम वैल्यू ऑफ एल्फा इज 3 यू हैव फाउंड. प्लीज सी अगर आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी हो तो प्लीज गो अहेड, अल्फा की वैल्यू और निकालो और निकालो. प्लीज माइंड इट कि आंसर हमेशा इंक्रीज नहीं होता जाएगा, डिक्रीज भी होगा नीचे जाके. क्यों? क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन हो रही है यहाँ पे टू नंबर्स की. आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करते जाओगे आंसर उसका लोअर होता जाएगा, क्योंकि वो 24 इंटू दिस 24 इंटू दिस 24 इंटू दिस वो 121 में से माइनस करोगे तो डिक्रीज होता जा रहा है नंबर. इज इट क्लियर? बट डोंट गो बियॉन्ड दैट, उतना आगे जाने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट थिंक ऑफ दिस एट प्रेजेंट, जो क्वेश्चन है उसको फॉलो करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि हमने ये स्क्वायर रूट डी क्यों लगाया. इज इट क्लियर बेटा? सो सेकेंड क्वेश्चन, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइन, द पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 34 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द डायगनल इज 13 मीटर. रेक्टेंगुलर रूम इज देयर और उसका डायगनल इज गिवन. अब आपका थोड़ा सीनियर क्लास हो गई है तो डायगनल को भी यूज करते हैं, ओनली लेंथ एंड ब्रेथ नहीं यूज करेंगे हम, थोड़ा सा विल गो बियॉन्ड दैट ऑल्सो. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट डायगनल ऑफ रेक्टेंगल. हियर लेंथ इज गिवन, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज 34 मीटर, पैरीमीटर इज गिवन, यू कैन सी पैरीमीटर. वन थिंग इज नोन, पैरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो, टू एल प्लस बी इज इक्वल टू 34. द मोमेंट यू रीड द हाफ सेंटेंस और वन सेंटेंस प्लीज राइट डाउन मैथमेटिकल फॉर्म में, उसको लिख डालो ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जो गिवन है उसको तो यूज करना ही है हमने लेटर. प्लीज फाइंड आउट एल प्लस बी फ्रॉम हेयर. 34/2, एल प्लस बी इज इक्वल टू 17. एक ही क्वेश्चन आपके पास बन गई, बहुत अच्छा रिलेशन आ गया आपके पास एल और बी का, एंड यू नो कि इसको यूज करना ही करना है आगे, लेंथ और ब्रेथ को किसी भी ट्रांसपोर्ट करके या जो भी है उसको, या एल की वैल्यू या बी की वैल्यू जैसे भी है उसको यूज करेंगे. ठीक है, ये हो गया वन स्टेटमेंट वी हैव यूज इन मैथमेटिकल फॉर्म. हमारा हाफ स्टेटमेंट ये जो थी, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 34 मीटर, इससे हमारी एक ही क्वेश्चन बन गई है. सेकेंड इज एंड द लेंथ ऑफ द डायगनल इज 13 मीटर, लेंथ ऑफ द डायगनल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेंथ ऑफ डायगनल. एनीबडी नोज व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगनल? Can you tell me? Have you read in any class? Yes, tell me. We can do this by writing that x squared equals to p squared by b squared. So effectively 13 squared equals to p squared by b squared. Oh, okay. You are talking about Pythagoras theorem? Yeah. You are thought in that way. Fine. Understood. Understood. That's very good. And I appreciate your, you know, effort in understanding, in thinking and telling me the answer. Ma'am, can I? Yeah, please tell me. Yes. Answer is C part, 12 meter and 5 meter. 12 meter and 5 meter. You knew what is the diagonal? Or you found it in other way? Wo perimeter, wo Pythagoras laga ke nikala aapne. Pythagoras. But shall I tell you? ये जो डायगनल का फॉर्मूला है ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायगनल ऑलवेज. क्यों मैं बता रही हूँ, प्लीज रिमेंबर दिस इन फॉर्मूला फॉर्म. जैसे आपने पेरीमीटर एरिया के फॉर्मूला लर्न किए, प्लीज इसको भी फॉर्मूला के फॉर्म में लर्न करो. वाई? बिकॉज 10th क्लास में इतना टाइम नहीं होता कि आप ट्राइंगल लिया, फिर पाइथागोरस लगाया, फिर एच बी ए की वैल्यू डाली और फिर वो निकाला. ओके बच्चे, प्लीज रिमेंबर दिस एज अ फॉर्मूला कि डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगल और एनी क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज ऑफ दिस काइंड, इवन इन स्क्वायर आल्सो, स्क्वायर में भी यही होता है. इट इज इन एनसीईआरटी बुक आल्सो कि स्क्वायर रूट इसका डायगनल ऑफ स्क्वायर का भी फॉर्मूला है वहां पे, इफ यू रिमेंबर. ठीक है, अगर आपके, चलो अभी जनरल नॉलेज की बात हो ही रही है तो आई मस्ट एक्सप्लेन यू कि अगर आपके पास स्क्वायर है और यहाँ पे एक डायगनल है, उसकी तो लेंथ हमारी एल एल ही होती है, बी तो आता ही नहीं उसमें, उसका डायगनल क्या होगा? कैन यू टेल मी?
बी इज नॉट देयर, इट इज 2L2। प्लीज आप सी बेटा, आई एम टेलिंग यू बियॉन्ड योर सिलेबस ऑल्सो लिटिल बिट, बिकॉज आपके क्वेश्चन जो है ना एक्स्ट्रा आते हैं, आपका विजुअलाइजेशन थोड़ी सी बियॉन्ड एनसीईआरटी होनी चाहिए। वाई? क्योंकि इट विल सेव योर टाइम ऑल्सो। ओके, मैथ्स में कितनी कैलकुलेशंस करनी होती है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हो उस पर टाइम जाता है, फिर उसके बारे में सोचते हो टाइम जा रहा है, फिर उसके बारे में लिख रहे हो, फिर रफ में कैलकुलेशन कर रहे हो, फिर उसको वहां पे फेयर में नोट कर रहे हो, फिर उसको रीचेक कर रहे हो मेरी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं है। कितना काम करना पड़ता है मैथ्स में, इज इट और नॉट? प्लीज सेव योर टाइम, ठीक है? इट विल हेल्प यू इन हायर क्लासेस ऑल्सो। सो प्लीज रिमेंबर दिस एज अ फॉर्मूला एंड यूज इट हेयर, फाइन? सो आई एम रबिंग इट बिकॉज मेरा अभी बोर्ड इसी से ही भर गया है। सो फर्स्ट इक्वेशन वॉज एल प्लस बी, प्लीज क्विकली राइट डाउन, अभी तो आपको काफी कुछ पता चल गया क्वेश्चन के बारे में। आई हैड एल प्लस बी इज इक्वल टू 17 फर्स्ट इक्वेशन, एंड अदर वे हमने निकाला है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट जो हमें दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू दिस, सॉरी ये पिछला क्वेश्चन आ गया है, सॉरी दिस वन, ठीक है? डायगनल इज इक्वल टू 13। प्लीज राइट डाउन, यू कैन राइट फास्टर टू मी बिकॉज आई एम चेंजिंग दिस स्क्रीन। ओके, अच्छा वही आ गया ना, फाइन। ये क्यों आ रही है ऐसे? फाइन, ओके, टेल मी लाइक दिस। अब तो आपको काफी कुछ पता चल गया बेटा, सारी फॉर्मूला मैंने बता दी है आपको। एल प्लस बी यू नो 17 है, और एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 13 है। जल्दी से बता दो मेरे को क्या आने वाला है अभी। इज इक्वल टू 17 और एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13, ठीक है? अब ये 13 है, फिर से स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट विल ट्रबल मी अ लॉट, आई वॉन्ट टू रिमूव इट। वट शुड आई डू टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट? क्या करूं इसको? यू हैव मेनी वेज टू डू। मैम स्क्वायर स्क्वायर कर दो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ से बाय सॉल्विंग दीज टू, अभी आगे मैं नहीं बताऊंगी, दिस यू विल ट्राई एट होम। आपको पता है कि एल की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ डालनी है, या फिर बी की वैल्यू यहाँ से ना यहाँ करनी है। वन एंड टू को अपनी इक्वेशन को यूज करना है, और आपके पास एल और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। दोज एल एंड बी वैल्यूज ही टोल्ड मी करेक्ट आंसर, कि आंसर इज आई थिंक सी, यू टोल्ड मी 12 मीटर एंड 5 मीटर। 12 मीटर एंड 5 मीटर डायमेंशन आर, यू नो, ऑफकोर्स फर्स्ट वाली लेंथ होगी और सेकेंड वाली ब्रेथ होगी। एल इज 12 एंड बी इज 5, ऑफकोर्स दैट यू नो। यस, यू हैव टेकन द माइक। यस यस स्पीक। Will पार्डन, we'll do this question by hidden trial method? नो, व्हाई हिडन ट्रायल बच्चे? एल की वैल्यू, एल की वैल्यू, नो नो नो, सी एल की वैल्यू यहां से आप निकालोगे 17 माइनस बी फ्रॉम 1, ठीक है? पुट इन 2, जब 2 में लगाओगे आप, यहाँ पे आपके पास बनेगा 17 माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। कैन यू सी ये पूरा ए की वेरिएबल में बन गया है, एंड इट विल कम आउट टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, Yes. सीम्स टू बी, बट यू कैन चेक इट। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज इट? तो पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है, और क्या पॉसिबिलिटी लग रही है? मेरे को क्लू कहाँ से मिल रहा है? एमसीक्यू से मेरे को क्लू मिल रहा है कि 2 सॉल्यूशंस आने वाले हैं, ठीक है? एवरी ऑप्शन इज शोइंग मी 2 आंसर्स, 2 रूट्स आएंगे, 2 सॉल्यूशंस आएंगे, तो ऑफकोर्स वो अल्फा बीटा की फॉर्म में आने वाला है मेरे पास। 2 वैल्यूज आएंगी तो वो क्वाड्रेटिक बननी बननी है। जैसे ही आपका वन वेरिएबल में चेंज हो गया पूरा क्वेश्चन, तो वो क्वाड्रेटिक बन गई है। ऑलराइट, तो आंसर इज करेक्ट। प्लीज यू कैन परस्यू एट होम, ठीक है? यू कैन रीचेक इट कि आंसर इज करेक्ट और नॉट। एंड थर्ड क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो दिस काइंड। टिल हेयर एनी डाउट? बिकॉज आई नो दैट चाइल्ड हु इज सिटिंग एट द फ्रंट, अगर उसने डाउट पूछ लिया तो सारी क्लास का डाउट क्लियर हो जाता है। ही इज थिंकिंग वेरी माइन्यूटली, इज इट? एनी बडी वॉन्ट्स टू आस्क मी एनी थिंग? जस्ट कीप अप बच्चे, आई एम हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स, एंड प्लीज कीप अप द थिंग्स वेन यू ग्रो अप।
because it helps a lot in, you know, your competitive exams. Deep thinking is must in every subject when you do objective type questions, especially. Fine. The hypotenuse अब तक काफी बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा. द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन. राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन, प्लीज ड्रॉ इट. पहले तो ड्रॉ कर ही लो इसको, क्योंकि क्वेश्चंस में जैसे ही हमारी एक डायग्राम बन जाती है, चाहे वो रफ में ड्रॉ करो चाहे सामने ड्रॉ करो, डजंट मैटर. जैसे ही डायग्राम ड्रॉ हो जाती है, आपका क्वेश्चन काफी विजुअलाइज कर पाते हो आपकी क्या होने वाला है. अभी क्लैरिटी हो जाती है, ठीक है. टीचर डजंट लुक फॉर कि आपने डायग्राम बनाया कि नहीं, इसलिए यू कैन ड्रॉ एनी वेयर. रफ में भी कर सकते हैं इसको. द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड. ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड. अब आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो शॉर्टेस्ट साइड को ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है. हाइपोटेन्यूज तो शॉर्टेस्ट हो नहीं सकता, दैट इज द लॉन्गेस्ट. यू हैव रेड इन जूनियर क्लासेस ऑल्सो. सो लेट मी राइट इट हियर. आई एम टेकिंग ए बी सी, नेम कुछ भी कर दो इसको. लेट ए बी बी द शॉर्टेस्ट. लेट ए बी बी द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है. जब आपने शॉर्टेस्ट साइड ले ली और उसको साथ के साथ एक्स भी सपोज कर लो, एक्स सेंटीमीटर. डायमेंशन हमें दी हुई है सेंटीमीटर में, तो हम एक्स सेंटीमीटर ले लेते हैं. लेट एक्स बी ए बी बी द स्मॉलेस्ट लेंथ, ठीक है. नाउ रिलेशन इज गिवन, इफ द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, ठीक है. द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर वॉट. ये तो फैमिलियर क्वेश्चन लग रहा है बहुत. आपने काफी भैया, आई कैन सी न्यू हैंड. यस यस, प्लीज टेल मी, टेक द माइक, बी कॉन्फिडेंट. आई वॉन्टेड टू लीव दिस क्वेश्चन फॉर यू ओनली. टेक द माइक बच्चे. हाँ द आंसर इज ए पार्ट. ए पार्ट 10, 24 एंड 26. हैव यू यू नो कैलकुलेटेड द होल क्वेश्चन? मैम दैट्स ग्रेट. हु एल्स हैज डन? प्लीज रेज योर हैंड. किसी और ने किया है? यस, ओके, राइट, ऑल राइट. इसमें रिलेशन इज गिवन, यू नो, वेरी नाइसली. बहुत क्लियर रिलेशन दिया हुआ है. हाइपोटेन्यूज का रिलेशन दिया हुआ है, थर्ड साइड का रिलेशन दिया हुआ है. आई शैल आई टेल यू, बी सी इज इक्वल टू आपकी जो सेकंड साइड हाइपोटेन्यूज आएगा, इट इज विल बी 2x+6 जो आपको दिया हुआ है. एंड नेक्स्ट आपकी जो ए सी साइड है, दैट इज इक्वल टू 2x+6 -2 सेंटीमीटर, ठीक है. तो आपकी जो भी, जैसे ही आपके पास साइड्स की वो क्लैरिटी होगी ना, तो आपके पास वो इक्वेशन बन जानी है. इक्वेशन कैसे बनेगी? पाइथागोरस से. आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस बॉय हु इज स्टैंडिंग, हु टोल्ड मी द आंसर. बच्चे प्लीज खड़े हो जाओ. जस्ट टेल मी कि आपका आंसर तो आपने निकाल लिया, जस्ट टेल मी कि इसकी वैल्यूज क्या आई थी एक्स की. टू वैल्यूज आपने निकाली होंगी क्वाड्रेटिक में, विच टू वैल्यूज केम? अगर आपने कैलकुलेट किया तो, आपके फ्रेंड ने कैलकुलेट किया तो उसको दे दो माइक, कोई बात नहीं. -2 -10. लेट अस मूव अहेड. यस सर, नॉट कंफर्टेबल.
Not audible, ma'am. Still not audible. Hello, can I hear you? You can hear me, bachche? Fine, okay. Okay, okay. Please continue the question. Please look carefully. Px ki value mein minus x square hai. Darken it. Kyunki wo thoda sa unseen lag raha hai. Theek hai? Please mind it. This is minus x square plus 22x minus 40, where x is the cost of a ticket in 100 rupees. Cost of a ticket. X ki value jo bhi aayegi, isko 100 se multiply karenge. That will be the cost of ticket. And x lies between 0 and 25. Okay. Question aapko clearly dikh raha hai. Isme aapke paas polynomial, sorry, quadratic equation hai. Jab tak usko solve nahi karoge, aapke paas x ki value nahi aayegi. Theek hai? और जब x की वैल्यू आएगी यू हैव टू लुक फॉर कि वो इसकी लोएस्ट कॉस्ट कितनी है और हाईएस्ट कॉस्ट कितनी है. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ओनली थिंग इज अंडरस्टैंडिंग शुड बी डन केयरफुली. ठीक है, मेन पर्पस क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है, प्लीज सॉल्व इट. आई एम जस्ट क्लीनिंग इट. क्वेश्चन आपके सामने ही है बिकॉज आई वॉन्ट बी एबल टू राइट हियर. समझी हो जाएगा आपको, क्लियरली दिखेगा नहीं. ऑलराइट, सो आई वॉन्ट टू गो टू माई दिस स्क्रीन. सो द क्वेश्चन वॉज px की वैल्यू आपको दी हुई है बेटा, यू ऑल्सो राइट डाउन, इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 40 इज इक्वल टू 0. दिस सीम्स टू बी वेरी इजी इक्वेशन. आई थिंक बहुत अच्छे ये नंबर्स 22 एंड 40 बहुत रिलेटेड नंबर्स हैं. यू कैन फैक्टराइज दिस. एंड यू नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की अभी आपने सारे मेथड्स पढ़ लिए हैं अपने एनसीईआरटी के चैप्टर में. There are many methods to solve a quadratic equation. Have you read all? Anybody can tell me first method kya hai iska solve karne ka? X ki value nikalne ka. Yes, that girl is raising her hand. Bata do beta, you take the mic. Yes. How many methods are there? By? We can use split and substituting method. By? Split and substituting. Factorization method. Is it? Yes, factorization method. Other method is? And also, we can use identity if it is applicable. We can use quadratic formula. Jo humne pehle use kiya tha, D nikalne wala. He is raising his hand, usko mic do. I want to know some other way also. Agar aapko pata hai to. Koi aur bhi aata hai aapko? Other way aapne kya padha hai? Please, please tell me. डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज ओनली डिस्क्रिमिनेंट. दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है ना एक्स की वैल्यू वाला, वो आपको बताता है कि इसके रूट्स कितने. एक थर्ड वे भी है, आई डोंट नो आपने वो पढ़ा कि नहीं अभी तक, वहां तक पहुंचे कि नहीं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला. हैव यू रेड दैट? इट्स ओके, चलो अभी आप करोगे जब थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि आपके चैप्टर अभी अभी हुआ है. कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला भी एक थर्ड मेथड होता है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो. एक फोर्थ मेथड भी है इसके रूट्स फाइंड आउट करने वाला. What is that? Graph draw करके. From the graph you come to know कि इसका solutions क्या है, two roots है या one root है या क्या है. Quality of उसका पता चल जाता है. Fine.
चलो लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन. अभी इसमें आप इजीएस्ट वे ये लगा सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड. व्हाई? बिकॉज़ नंबर्स आर वेरी 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 मच रिलेटेड टू ईच अदर. 22 एंड 40 दे आर वेरी नोन नंबर्स. क्लियरली ओरल कैलकुलेशन है, कोई बहुत ज्यादा आपको एलसीएम नहीं लेना, कुछ नहीं करना. यू कैन टेल मी इफ एनीबॉडी नोस. जल्दी से बता दो 22 एंड 40 का मिडल में आपके पास 22 आना चाहिए, प्लस करके 22 आना चाहिए और प्रोडक्ट करके आपके पास 40 आना चाहिए. इजंट इट 20 प्लस 40 20x प्लस 2x. ठीक है, यू कैन राइट इन दिस वे माइनस 40 इक्वल टू 0. वेरी सिंपल, आपको ओरली भी आता ही है. ठीक है, जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, अब मैं आपका निकालू, यू नो हाउ टू पेयर देम सेपरेट कैसे करना है और x की वैल्यू निकालनी है. योर आंसर इज कमिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू क्लू, यू कैन ट्राई इट होम. x is coming 2 and 22, sorry 2 and 20. ठीक है, तो आपकी लोएस्ट वैल्यू क्या आएगी इसमें? x की टू वैल्यूज आएंगी 2 and 20. दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू. तो अगर ने पूछा व्हाट इज द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ द टिकट, तो वी विल बी यूजिंग 2 एंड रुपी. आपका आंसर आएगा 200 बिकॉज हमें 100. अगर हमारे 2 आंसर आ रहे हैं तो आंसर विल बी रुपीज 200. ओके, प्लीज मार्क इट, सी इज द ऑप्शन. सिमिलरली ओके फाइन, एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी. व्हाट इज द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ अ टिकट? Break-even means not profit, not loss. Okay, हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, I think लिया भैया पॉलिनोमियल में कहीं किया था, उसमें जो break-even वाला क्वेश्चन था. Please mind it कि competitive questions में ऐसे words आते हैं. So it means no profit. Similarly, you can find the highest value, जो उसका second part है. Highest value of course 20 दिख रहा है, सामने है, उसको solve करने की जरूरत नहीं है, उसका answer लिख सकते हो आप. Then third is theta charge rupees 400. इसका मतलब हमारा charge क्या था? X को हम cost of ticket मान लेते ना. अगर उसकी उसकी कॉस्ट जो है रुपीज 400 रखती है इस टिकट, तो मतलब एक्स हमारे पास रुपीज 400 होना चाहिए. इफ द कॉस्ट इज 400 फॉर इच टिकट, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट और लॉस आपकी जो इक्वेशन. इसका मतलब कि जब आप पी यहाँ पे एक्स इक्वल टू 4 पुट करोगे, देन यू हैव टू सी कि आंसर इज कमिंग पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव है तो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव है तो लॉस होगा. यू हैव अ स्मॉलर नंबर टू कैलकुलेट. सिर्फ 4 को आप यूज कर रहे हो पूरी इक्वेशन में, जो आंसर आएगा बाद में तो 100 से मल्टीप्लाई कर. आई एम जस्ट गिविंग यू क्लू ऑफ दिस. She had a profit of 3200 and fourth answer hai, it is a loss. 2500 jab usne ticket ka cost rakha, so she had lost of 11500. Please mark it, uski e option hai. And I hope concept is very much all right and all the best. Next wala jo riya wala question hai, flower bed or grassland wala, that is also very very simple. Uspe quadratic equation kam use ho rahi hai aur linear equation zyada use ho rahi hai. That's why I mixed the idea. Aaj maine dono concept ko add on kyun kiya, because I knew ki is question mein aapka linear equation bhi use hone wala hai. All right bache, all the best, keep up and keep learning everything minutely, not ki upar upar se sirf answer nikalna is not important, understanding the concept is most important, kyunki maths mein aapke step wise marks hote hain. Okay bache, till all the best students, teachers, good morning. Hello ma'am. So class 10th, right? आज मैम इतने कम स्टूडेंट्स क्यों हैं? ओके, वेकेशन है इनके, एक तो यूनिट टेस्ट भी शुरू हो रहे हैं. मैम माइक जरा ले लेंगे. हाँ जी, आप बता दीजिए आपके एग्जाम्स कब है बेटा? फर्स्ट जून से कब तक? 10th जून तक. ओके, चलिए आज सो बायोलॉजी है ना, कुछ ऐसी चीज, कोई बच्चों कोई ऐसी चीज बायोलॉजी के जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो. आज तुम मेरे टीचर बनो जरा 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए. एनीथिंग यू वांट टू आस्क? यस, रेज योर हैंड्स इफ एनीथिंग यू वांट टू आस्क. लाइफ प्रोसेसेस में से, लाइफ प्रोसेसेस यू हैव डन, उसमें से कोई चीज आप मुझसे पूछना चाहते हो? हाँ जी बेटा, ए वन गर्ल. यस यस मैम, कैन यू मीन द सेम एक्सक्रीशन पार्ट? एक्सक्रीशन पार्ट, राइट? ओके, फर्स्ट because the student has asked me about excretion part, I will explain that, then I will do some other things, right? Kuch aur cheeze hum explain kar. So
बेटा फर्स्ट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड इजेशन. ऑल्दो यू मस्ट बी नोइंग बट फिर भी मुझे जो है इन दोनों में डिफरेंस, कोई सा स्टूडेंट फटाफट से जो है ना माइक आपस में थोड़े से स्टूडेंट्स को रोटेट कर सकते हो. An excretion is the process where we excrete all the products such as sweat. It includes all the products which we excrete such as sweat, urine and all. But digestion is only the part, like the solid part, the undigested part which we take out from our bodies. थोड़ा सा partially काफी आपका ठीक है but थोड़ा सा मैं और explain करूँगी. So digestion, digestion is removal of undigested food. They may not be toxic, है ना. हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये toxic food है, right? या toxic substance है, ऐसा नहीं है. ये undigested food है बेटा. थोड़ा सा यहाँ बैठे हो ना तो अब सिर्फ concentration यहाँ पर आपस में नहीं लेगा, ठीक है. तो it is removal of undigested food, right? Whereas excretion, excretion is removal of metabolic wastes, right? These are waste substances which, if gets accumulated in our body, they are toxic in our body, so they are removed, right? So excretion is removal of metabolic waste, whereas ejection is removal of undigested. ठीक है. तो हम यहाँ पे अगर आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो क्या है, दैट इज मेनली रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट्स अलोंग विद वाटर, अलोंग विद सोडियम आयन्स, पोटेशियम आयन्स, हाइड्रोजन आयन्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें, बट मेनली कौन से है, नाइट्रोजीनस वेस्ट. हाँ जी, जिस बच्चे ने मेरे से कहा था एक्सक्रीटरी, देन टेल मी विच नाइट्रोजीनस वेस्ट्स आर एक्सक्रीटेड बाय अवर बॉडी. हाँ जी, द गर्ल एट द कॉर्नर. यस मैम, इनको जरा माइक देना, गर्ल्स को फर्स्ट रो में लास्ट गर्ल. बेटा विच नाइट्रोजीनस वेस्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट इज एक्सक्रीटेड बाय अवर बॉडी. एनी अदर, एनी अदर. हाँ, इस बच्चे को तो आता है. व्हाट्स योर नेम बेटा? संयम त्रिहान. दोबारा से? संयम त्रिहान. ओके बेटा, चलिए मुझे ये बताइए कि कौन सा नाइट्रोजीनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड बाय अवर बॉडी. इट इज यूरिया. वेरी गुड, इट इज यूरिया. अच्छा, आप मुझे एक और चीज बताइए कि विच आर द अदर नाइट्रोजीनस वेस्ट. एक यूरिया है, और कौन कौन से नाइट्रोजीनस वेस्ट है बेटा? अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सब नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है. तो हमारी बॉडी में क्या मेन एक्सक्रीट हो रहा है, दैट इज यूरिया अलोंग विद दीज सब्सटेंसेस. तो कैसे? यूरिन इज द excreted product and it consists of, जैसे मैंने आपको बताया है, यूरिया, वॉटर, then various, you know, कुछ water soluble vitamins also, then some ions. But remember that no blood cells, no glucose, and no proteins are excreted in urine of
नॉर्मल पर्सन। ये बेटा याद रखना है कि नॉर्मल पर्सन जिसको बीमारी नहीं है उसके यूरिन में शुगर्स भी नहीं होंगी, और शुगर मींस ग्लूकोज भी नहीं होगा, नो ब्लड सेल्स एंड देयर आर नो प्रोटीन्स इफ द पर्सन इज नॉट। देन व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन या स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कौन से स्टेप्स हैं? फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हाँ जी बेटा, कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो? रीअब्सॉर्प्शन, रीअब्सॉर्प्शन, यस इट इज रीअब्सॉर्प्शन। कलेक्शन, एंड थर्ड इज, थर्ड इज सिक्रीशन। एक चीज फॉर एग्जाम्पल है ना, कि फॉर एग्जाम्पल हियर स्टूडेंट्स, कि ये 80% से स्टूडेंट्स अबव जो है ये अलग हो जाए, इनकी अलग क्लास लगे, ठीक है। उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इंटरेस्टेड नहीं थे क्लास एब्जॉर्प्शन, पहले अलग किया, बट उनमें से कुछ को जो इंटरेस्टेड नहीं थे एक्स्ट्रा क्लास लगाने को, उनको रीअब्जॉर्ब दोबारा से पीछे कर दिया। और तीसरी चीज, 80% से कम वाले बच्चे जो जिनके बाई चांस नंबर कम आए थे बट दे आर इंटेलिजेंट, उनको की ब्लड जो है उसमें से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई, वेस्ट सब्सटेंसेस जो है वो नेफ्रॉन में आ गए, ब्लड वेसल्स में, बट उसमें से पता चला कि अरे इन वेस्ट सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट करने के लिए तो बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस भी साथ ही आ गए, तो वो यूजफुल नहीं एक्सक्रीट कर सके, इसलिए यहाँ पे जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट आया था उसमें से यूजफुल सब्सटेंसेस को फिर पीछे ले जाया गया, रीअब्सॉर्प्शन होगी। फिर और स्कैन किया गया कि क्या सारे जो अंशेस है वो रीअब्सॉर्ब हो गए, तो देखा गया ब्लड में अभी भी कुछ ऐसे ढीठ मॉलिक्यूल्स है जो टॉक्सिक है और अभी भी ब्लड में पड़े हुए, छुपे बैठे थे, वो फिल्टर नहीं हुए थे, तो उनको क्रिएट किया गया फिल्ट्रेट में कि निकलो तुम्हारी जरूरत नहीं। अगेन आई एम टेलिंग यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम दैट दिस इज वुमेन्स कैप्सूल, दिस इज ट्यूब्यूल प्रॉक्सिमल, हम इसको बोलते हैं पीसीटी। देन देयर इज लूप ऑफ हेनले, देन दिस इज अगेन कॉन्वोल्यूटेड मींस कॉइल्ड, जो कॉइल्ड है, और फिर इसके बाद फाइनली आ जाता है कलेक्टिव ट्यूब्यूल। यहाँ पे बहुत सारी क्या है, हियर देयर आर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड एज, यहाँ से बेटा एक ब्लड वेसल अंदर एंटर की, वो डिवाइड कर गई बहुत सारी कैपिलरीज में, जिसको हम कहते हैं वुमेन्स कैप्स्यूल। इसमें ब्लड वेसल एक एंटर की, डिवाइड्स इनटू कैपिलरीज, और इस नेटवर्क को हम कह देते हैं ग्लोमेरुलस। तो ब्लड वेसल्स में ग्लोमेरुलस से वेस्ट सब्सटेंसेस क्या हुए, फिल्टर हुए। ये एक जाली की तरह से है, सीव की तरह से है, जिससे वेस्ट सब्सटेंसेस फिल्टर हुए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, राइट। और इसको यहां जो बना, दिस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेट। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, सिंगल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और एक किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। नेफ्रॉन के एक ऊपर वाला कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं, वुमेन्स कैप्स्यूल। इसकी कैविटी में देयर आर प्रेजेंट बंच ऑफ कैपिलरीज, जिसमें क्या हो रही है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फिल्टर कर गए। बट जैसे हम कहते हैं कनक के साथ घुन पिसता है, इसी तरह से बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस के साथ साथ बहुत सारा यूजफुल सब्सटेंसेस भी फिल्टर हो गए, एंड दिस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेट।
जब अल्ट्राफिल्ट्रो है नेफ्रॉन को या ब्लड को पता चल चुका था कि अरे इतने सारे यूजफुल सब्सटेंसेस दे आर आल्सो गेट्स फिल्टर्ड, तो क्या हुआ यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन हुई। ये कॉइल्ड पार्ट है क्या है, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सी, जरूरत भी नहीं है बट कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब आपको पता होना चाहिए दैट इज कॉइल्ड ट्यूब्यूल। यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, दिस इज ऑल्सो दिस इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो वुमेन्स कैप्सूल के पास है अप्रोक्सीमल, जो इससे दूर है दैट इज डिस्टल, बट कॉन्वोल्यूटेड मीन्स कॉइल्ड ट्यूब्यूल तो है ही है राइट। इन दोनों जगह पर क्या हो रही है, रीअब्सॉर्प्शन हो रही है किसकी, यूजफुल सब्सटेंसेस, ठीक है। और यहां एंड हियर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर अकर्स, क्योंकि बेटा टॉक्सिक सब्सटेंस की कंजम्पशन होती है, बहुत सारा पानी फिल्टर होता है, इसलिए पूरे ट्यूब्यूल में वॉटर रीअब्सॉर्ब हो रहा राइट। यहां पर ग्लूकोज ब्लड सेल्स ये भी रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, बट इज इट ओके, क्लियर एवरीबडी, ठीक है जी। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन ग्लोमेरुलस, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस ऑफ एनए एंड डीसीटी इन द ट्यूबुलर पार्ट, यू कैन से अगर आपकी बुक में देखा जाए तो नेफ्रॉन के दो पार्ट्स बताए गए हैं, कौन से दो पार्ट्स है, फर्स्ट इज वुमेन्स कैप्स्यूल एंड सेकेंड इज ट्यूबुलर पार्ट। वुमेन्स कैप्स्यूल में अल्टी रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, व्हाट इज सिक्रीशन, दैट इज एक्टिव मूवमेंट, एक्टिव प्रोसेसिंग एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज सिक्रीशन, इज इट ओके। रीअब्सॉर्प्शन इज फ्रॉम अल्ट्राफिल्ट्रेट इनटू ब्लड, सिक्रीशन इज active movement of toxic substances from blood into the tubule ya nephron is called as secrete, which reaches in the collecting duct is called as urine. So composition of urine is totally different from the tha jo filter ho ke aaya tha usme se bahut sari cheeze reabsorb ho gayi, usme bahut sari cheeze add ho gayi, is karan jo urine yahan pe bana it is totally different from the ultra. Is it okay? Clear with on to us? ठीक है जी। तो excretion, long question आ सकता है, explain the process of excretion. तो पहले आपने definition लिख देनी है, diagram बना देना है, ultrafiltration बता देनी है, definition क्या है, reabsorption, secretion, ये आप बता देंगे, which nitrogen waste is excreted by our body, that is urea. Is it okay? And how urea is formed? Urea is formed by breakdown of proteins. Proteins में nitrogen है बेटा, ठीक है। तो यूरिया कैसे बन रहा है, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन के कारण यूरिया बन रहा है, इज इट क्लियर। बेटा पता क्या है, मैं वो भी थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि व्हेन प्रोटीन्स ब्रेक, फर्स्ट दे फॉर्म अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स में से CO2 लूज होकर क्या बनता है, अमोनिया। बट अमोनिया जो है बच्चे इट इज हाईली टॉक्सिक, रिक्वायर, ये आपके सर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है, रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर फॉर एक्सक्रीशन, इसके एक्सक्रीशन के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है इसलिए थोड़ा सा भी अमोनिया खराब कर सकता है, इसकी एक्सक्रीशन के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए जो कि हमारे को अवेलेबल नहीं होता, देयरफॉर अमोनिया कन्वर्टेड इनटू यूरिया, लेस टॉक्सिक, ये हमारी बॉडी में। अगर फिशेज वगैरह की बात करें तो वहां पे अमोनिया, क्योंकि फिशेज को पानी की कमी है, हम अमोनिया ही लिबरेट करते हैं, इतना तो पानी है हमारे पास लिमिटेड पानी है, इसलिए हम इसमें चेंज करते हैं दैट इज यूरिया में। बट इन बर्ड्स इंसेप्ट यूरिक एसिड,
यूरिक एसिड एक्सक्रीटेड इन सॉलिड फॉर्म एंड यूरिक एसिड जो है लीस्ट टॉक्सिक है बट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी फॉर इट्स फॉर्मेशन. बर्ड्स के पास पानी कम होता है क्योंकि उन्हें उड़ना है, पानी भी कम है क्योंकि उनकी बॉडी में पानी स्टोर नहीं है. तो क्या करें, यूरिया को निकालने के लिए भी पानी चाहिए, थोड़ा बहुत तो चाहिए बट उतना पानी भी नहीं है. तो वो कहते हैं एनर्जी यूज करना हम, इज इट ओके. ठीक है, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है पानी में है, दे एक्सक्रीट अमोनिया. वो कहते हैं एनर्जी क्यों यूज करनी है, हमारे पास इतना पानी है. देन इन लैंड एनिमल्स जाते हैं, दे एक्सक्रीट यूरिया. और उसके बाद कुछ लैंड एनिमल्स जिनमें पानी की शॉर्टेज है, जो पानी स्टोर नहीं कर सकते, दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड. Is it okay? And the, Clear? Then the excretion of birds are used for urea, something like that I heard. And the excretory part of birds, it's like the, it's used for formation of, we use urea as a, I don't know, fertilizer, basically. Yeah, they do not excrete, they form urea, but urea is converted into uric acid. Birds don't excrete urea. Kyunki unme urinary bladder nahi hota. वो यूरिया पानी की भी अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए वो यूरिया एक्सक्रीट करने में जो पानी चाहिए वो उनको लॉस, दे कैन नॉट टॉलरेट, दे कंजर्व वाटर. तो इसलिए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर दे कन्वर्ट यूरिया इनटू यूरिक एसिड. इज इट ओके? ठीक है, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नहीं तो मैं कुछ पूछ ली. चलिए जी, हम बेटा कुछ बात करते हैं रिएक्शंस के बारे में. आपने केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़े तो वही चीज हम बायोलॉजी में बात करते हैं. तो फर्स्ट आ जाता है बेटा फोटोसिंथेसिस. ये क्या आ जाता है, CO2 प्लस वॉटर इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी फॉर्म्स है ना. इसको थोड़ा सा बैलेंस भी कर लो. Now, which type of reaction is this? You have to tell me. Is this a combination reaction? Or a redox reaction? Yes, who will tell me? Yes, Hanji beta, bolo. Why it is not a combination reaction? That's absolutely true. It's a redox reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना, ऑक्सीडेशन नंबर. बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, वो आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे अगर टाइम नहीं. बट एट रिएक्शन टू सबस्ट्रेट्स दे कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, बट हियर देयर आर टू प्रोडक्ट्स. What is a redox reaction in biology? Explain with respect to hydrogen. जल्दी से कौन बताएगा? आपने redox reaction first chapter में पढ़ा है ना? ठीक है, आपने क्या पढ़ा है? That is loss of electron. पहली बात तो redox oxidation reduction. Yes, oxidation reduction reaction. Rx मतलब reaction. अब हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कह सकते हैं बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हम बात करते हैं. एंड रिडक्शन की अगर हम बात करें तो रिडक्शन क्या है, इसके ऑपोजिट आ जाता है, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन. Do you agree with me? Yes or no? Raise your hands. Who agrees? क्या हो रहा है? CO2 के साथ क्या combine कर रहा है? Hydrogen combine कर रहा है to form C6H12O6. तो CO2 क्या gain कर रहा है? Hydrogen is reduced or oxidized? No. Reduced. Very good. So here CO2 reduced and form glucose. And you can see that water, it is changing into oxygen, right? So water is losing hydrogen, oxidized to form oxygen. और यहां से बेटा आपको एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ, यहां पर भी है ऑक्सीजन, यहां पर भी है. अगर आपको
जो है ये रिएक्शन क्लियर है, तो अब मुझे ये बताइए व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड फ्रॉम वाटर की कार्बन डाइऑक्साइड, गूगल चल मी जल्दी से, एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स? हाँ जी, जो मिडिल रो में बेटा, गर्ल्स में मिडिल रो में, द गर्ल विच इज नॉट इन यूनिफॉर्म, हाँ जी आप खड़े हो जाओ बेटा, बताओ जरा मुझे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात, पहले तो मुझे ये बताइए कि आर यू ए न्यू स्टूडेंट, आपका माइक नहीं ऑन है। हाँ बोलो बोलो, शायद आ जाएगी आवाज, हाँ नहीं आ नहीं रही, जोर से बोलना, आर यू ए न्यू स्टूडेंट या स्पोर्ट्स स्टूडेंट? ओके नाउ टेल मी कि यहां से इस रिएक्शन से आपको क्या पता है? यस, वन गर्ल, आपके आगे जो गर्ल है जिसका हाथ खड़ा था उसको दोगा, चलो आप बैठो, दोबारा से जोर से बोलो, हाँ वॉटर से, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा ये जब है प्लस वन में भी जो मेडिकल बच्चे लेते हैं ना, दे ऑल्सो गेट कंफ्यूज कि दोनों से हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन तो सबने, बट अगर आपको ये रिएक्शन याद है कि कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स रिड्यूस टू ग्लूकोज, इसमें रिडक्शन का क्या मतलब है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ठीक है, और वॉटर इज ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन लूज करेगा तो ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगी। तो फ्रॉम दिस द अनदर क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा कि द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम विच कंपाउंड, ऑक्सीडाइज लूजेस हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन फॉर्म इज लिबरेटेड आउटसाइड, इज इट ओके क्लियर? देन अनदर, इसके ऑपोजिट जो है फिर दूसरा रिएक्शन आ जाता है, दैट इज रेस्पिरेशन, सेल रेस्पिरेशन, सेल रेस्पिरेशन में क्या है बेटा, ग्लूकोज C6H12O6 plus oxygen gives carbon dioxide and water, right? 6 oxygen gives 6 carbon dioxide, 6 water plus energy. Beta, did you heard about decomposition reaction? सुना है, जिसने सुना है हाथ खड़ा करो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यस, वन स्टूडेंट, टू स्टूडेंट्स हैव हर्ड अबाउट, यस, सम स्टूडेंट्स हैव हर्ड, यस, डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैं सिंपल बताती हूँ, जिसमें प्रोडक्ट ए चेंजेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, दिस इज डीकम्पोजिशन, बट दिस रिएक्शन यहां पर भी ग्लूकोज इज चेंजिंग इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर, बट अगेन अगर हम बात करें, दिस इज नॉट ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वाई इट इज नॉट ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन? हाँ जी, एनीबडी हु कैन टेल मी? चलिए मैं जल्दी से, क्योंकि टाइम हो रहा है, मैं जल्दी से थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि दिस इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज नॉट ए सिंपल, इट इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रिएक्शंस। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जबकि ये बहुत सारे रिएक्शंस होके फाइनली ये बनता है। सो यस, यू वांट टू आस्क, यस बोलो बेटा, हाँ जोर से बोलो, दिस इज, आई वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट अ डीकंपोजिशन, यस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है, बैठो, यू वांट टू टेल मी व्हाई इट इज नॉट डीकंपोजिशन? पहली बात तो ये कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आप देख रहे हो एक है सबस्ट्रेट, एंड सेकेंड थिंग इट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन जनरली, वेयर एज हियर देयर आर टू रिएक्टेंट्स, ठीक है, एंड फर्दर जो रेस्पिरेशन है इट इज ए कॉम्प्लेक्स, ये एक सिंगल स्टेप नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स हैं बेटा। हम देखो, आपने कहा एक चीज, बट इसके कॉन्ट्रेरी क्या आ जाता है कि ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू इथाइल अल्कोहल,
plus carbon dioxide. Anaerobic respiration. Is it a decomposition reaction? यहाँ पे तो सिंगल सबस्ट्रेट है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. नो दिस इज ऑल्सो नॉट अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अगेन क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये भी मल्टी स्टेप रिएक्शन. हाँ जी बेटा बोलो. यस दैट्स एब्सोल्युटली 10 स्टेप ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप रिएक्शन है जिसमें वो पाइरूवेट में चेंज होता है फिर ये इसमें. तो दोबारा से डीकम्पोजिशन सिंगल स्टेप होता है जबकि रेस्पिरेशन मल्टी स्टेप रिएक्शन है. इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ग्लूकोज क्या कर रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीजन क्या कर रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन. तो इसमें आप क्या कह सकते हो कि जो ग्लूकोज है क्योंकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन है इट इज ऑक्सीडाइज्ड. इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म. इज इट ओके? तो ये बेटा थोड़ी सी चीजें ये याद रखोगे, गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन ही याद रखना है, ये याद रखोगे तो इनके थ्रू बहुत सारी जो है आपके आगे के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते. इज इट ओके? तो आज हमारे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखना, आप सोचना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजनेशन एंड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडेशन. लिख लो कॉपी में जिसके पास है. डिफरेंस इन ऑक्सीजनेशन एंड ऑक्सीडेशन. जैसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन. इज इट ऑक्सीजनेशन की ऑक्सीडेशन? कोई बताएगा मुझे? बस फिर हम एंड करते हैं क्लास का कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की ऑक्सीजनेशन रिएक्शन. यस वन गर्ल. हाँ जी बेटा आप बताओ. इट इज एडेड. व्हाई इट इज नॉट ऑक्सीडेशन? ऑक्सीजन इज एडेड, इट्स नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर देयर. Like in blood also, like when the deoxygenated blood goes back to the lungs for the oxygenation, oxygen is not already present over there. हम थोड़ा सा बेटा इसको और क्लैरिटी थे कि दिस इज ऑक्सीजनेशन बिकॉज ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें कि नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर. यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं किसी का चेंज हो रहा तो ये रिएक्शन ही नहीं है ऑक्सीडेशन को. इज इट राइट? सो ऑक्सीजन इज ओनली बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, ज्वाइन कर रही है किस बॉन्ड से, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, वो आगे चल के आपका ठीक है. बट समटाइम्स हीमोग्लोबिन गेट्स ऑक्सीडाइज ऑल्सो, बट दिस वी विल डिस्कस लेटर ऑन बिकॉज टाइम इज ओवर. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स. राइट, अच्छे से एग्जाम करना. We will meet after holidays. ठीक है जी, कुछ और पूछना है आपने? No, बस इस time exams का pressure है. चलिए, all the best. Thank you teachers. Thank you. Bye bye.